नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है द कैट स्कूल एंड डिज़ाइन लर्निंग हब के इस एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं वायर फ्रेम सरफेस डिज़ाइन का सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि है डेवलप्ड सरफेसेस। इसमें हम सरफेसेस को डेवलप कर सकते हैं किस तरीके से। जैसे मेरे पास एक पहला ऑप्शन है अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब ये समझिए कि मेरे पास अगर कोई सरफेस है और मुझे उसको अनफोल्ड करना है तो मैं उसको अनफोल्ड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा देखते हैं। जैसे चलो मैं एक सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल है मेरे पास, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। टू हंड्रेड एम एम पे अब क्या करता हूँ दोस्तों कि मैं नीचे वाली सरफेस स्केच को सेलेक्ट करके मैं इसको फिल कर देता हूँ, और उसके बाद ये स्केच को हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने के बाद मैं इन दोनों सरफेसेस को ज्वाइन कर देता हूँ। ऑपरेशन टूल बार मैंने निकाल दिया, ये इन दोनों को पकड़ के मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया कि ये पूरा बॉक्स एक सरफेस है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सरफेस को मैं ओपन करूँ। अगर मैं खोल के देखूँ तो डेवलप्ड सरफेस जो बन के आएगी मेरी, वो कैसी बनेगी। तो अगर जैसे मैं डेवलप्ड सरफेस के लिए मैं कमांड पर क्लिक करता हूँ तो मुझसे वो सरफेस टू अनफोल्ड पूछ रहा है। ओरिजिन के लिए पॉइंट पूछेगा और एक डायरेक्शन पूछेगा। तो डायरेक्शन के लिए अपन को एक एक्सिस बनानी पड़ेगी, ओरिजिन के लिए अपन को एक पॉइंट बनाना पड़ेगा और एक प्लेन, जिस प्लेन से वो आपका सरफेस ओपन होगा। तो मैं जो ये चीज़ें पूछ रहा है मैं वो चीज़ें इसको दे देता हूँ। जैसे मैं पॉइंट ऑन सरफेस पे मैंने ये सेंटर पे पॉइंट ले लिया। उसके बाद एक मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। और प्लेन में मैं अपना ये फ्लैट सरफेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सरफेस टू अनफोल्ड में मैंने सरफेस पकड़ लिया, ओरिजिन में मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्शन में मैंने एक्सिस सिलेक्ट कर ली, और टारगेट में मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, जो कि सरफेस अपनी प्लानर है तो वो प्लेन की तरह काम करेगी। अब यहाँ पे किस कर्व से मैं उसको ओपन करूँगा मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो कर्व टू टीयर में मैंने सेलेक्ट कर लिए इसके एजेस। अगर मैं एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे एजेस हो गए। प्रीव्यू करूँगा, देन ओके प्रेस करूँगा। तो ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो सरफेस है, जो अनफोल्डेड सरफेस जो बन के आ रही है, ज्वाइन वाली सरफेस को हाइड कर देता हूँ और ये अनफोल्डेड जो सरफेस आपकी है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मेरे पास कैड हाइब्रिड पार्ट ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे अपन को कुछ कर्व्स को ट्रांसफर करना हो, कर्व्स को ट्रांसफर करने के लिए जैसे मेरे पास एक मैंने स्केच ड्रॉ कर दिया, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए मैं वो कर्व को रख रहा हूँ, अभी जो स्केच मैंने बनाया था उसको मैं रख रहा हूँ अभी। नेक्स्ट रखता हूँ मैं एक कर्व्ड सरफेस बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इसके इस कर्व को मैं हाइड कर लेता हूँ, और अब हम देखेंगे कि ये जो कर्व है वो इस सरफेस पे कैसे ट्रांसफ़र होता है। जैसे कैड हाइब्रिड पार्ट ट्रांसफर में मैंने क्लिक कर दिया, सरफेस टू अनफोल्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये अनफोल्डेड सरफेस, ये और एलिमेंट्स में किसको ट्रांसफ़र करना है सेलेक्ट कर लिया ये। और मुझे लगता है कि मैंने उल्टा सिलेक्शन कर लिया है, कोई बात नहीं। सरफेस अनफोल्डेड सरफेस कौन सी है, ये रहेगी, क्योंकि ये फोल्ड अभी नहीं है। सॉरी, सरफेस टू अनफोल्ड इसको, और अनफोल्डेड सरफेस ये, और इसका जो एलिमेंट रहेगा वो ये सिलेक्ट करना है। प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो कर्व है वो आपका उस सरफेस पे लाई कर जाएगा। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो ये कुछ कुछ तरह प्रोजेक्शन कमांड की तरह चलता है। जैसे आपने इसमें प्रोजेक्शन कमांड देखा होगा, तो प्रोजेक्शन कमांड जैसे काम करता है वैसे ही काम करता है ये। यूज़ में आएगा कभी तो यूज़ कर लेना, वरना प्रोजेक्शन कमांड से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन
डेवलप, डेवलप में क्या होता है कि जैसे मुझे अगर जैसे मुझे कुछ स्केच को प्रोजेक्ट कराना हो, जैसे कुछ इस तरह से देख लें कि पॉइंट कर लिया ऑन कोऑर्डिनेट्स, और सपोर्ट में प्लेन अपन ने सेलेक्ट कर लिया एक्स वाई, ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से एक मैंने एक सिलेंडर बना लिया है। सिलेंड्रिकल सरफेसेस पे अगर मुझे कोई स्केच अगर प्रोजेक्ट कराना हो तो मैं इस कमांड का यूज़ कर सकता हूँ डेवलप का, देखते हैं कैसे। तो चलो इसको देख लेते हैं। मेरे पास एक ये स्केच बना लिया था मैंने, यहाँ 6 रेडियस का एग्जिट वर्कबेंच किया, डेवलप पे क्लिक किया, वाई टू डेवलप में आपको सिलेक्ट कर लेना है स्केच, सपोर्टिंग सरफेस में आपको प्लेन सरफेस सिलेक्ट कर लेना है जिस सरफेस पे आपको प्रोजेक्ट कराना है। प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो स्केच है वो उस सरफेस पे प्रोजेक्ट होके आ जाएगा। अच्छा, इसको अब करना क्या है, प्रोजेक्ट होके आगे तो करना क्या है, आप कर सकते हैं इसको स्प्लिट। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ सरफेस से, मतलब स्केच से सरफेस को काटा मैंने, अदर साइड पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास कुछ सरफेस इस तरह का जनरेट हो जाएगा। और अगर मैं इसको पार्ट डिज़ाइन में जाके अगर मैं इसको थिक सरफेस लगाता हूँ, 2 mm थिकनेस दे देता हूँ, ओके किया, तो आपका कुछ सॉलिड इस तरीके से बन जाएगा। ज्योमेट्रिकल सेट को हाइड कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि आपका जो सॉलिड है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।